हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं उषा। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूं यहां पे ये डायनाटोन का डीजे एम्पलीफायर। 3000 वॉट का एम्पलीफायर है दोस्तों। सारी चीजें जानेंगे कि कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें जो है फीचर्स आपको मिल जाता है, आप इसको बिना मिक्सर के भी चला सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आपको देखने को मिलता है, आउटपुट में आपको कैसे देखने को मिलता है, यानी कितने वाट के टॉप चलाता है, सारी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो काफी अच्छी होने वाली है और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं एम्पलीफायर के अनबॉक्सिंग। यहाँ पे आपको डायनाटोन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, बिल्ड इन बेस और ट्रिबल मिड हाई, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। टू जोन पावर बूस्टर एम्पलीफायर, इसके कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो मैंशन करे गए हैं। इस साइड में आपको पलट के दिखाता हूँ, तो ये सबसे पहली बात, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और कोई ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं देखने को मिलेगी। फटाफट से मैं इसको अनबॉक्स यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसमें आपको थर्माकोल की जो है वो पैकिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारे ये मेन यूनिट हो जाता है हमारा एम्पलीफायर। चलिए मैं इसे अभी निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम जान लेते हैं एम्पलीफायर का फ्रंट लुक, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल जाती हैं। अगेन यहाँ पे डायनाटोन की ब्रांडिंग है, मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन करा गया है DJ3K2M Pro के नाम से, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा इसका लुक है फ्रंट का, बहुत आसान सी चीज़ें हैं वो मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे तीन नोब्स हैं, यहाँ पे तीन नोब्स हैं, दो नोब्स यहाँ पे, क्या क्या चीज़ है। ये तीन नोब्स में से आपको देखते हैं लो, मिड एंड हाई, ये मिल जाता है आपको एक चैनल के लिए। ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी बिना मिक्सर के आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे लो, मिड एंड हाई आपको मिल जाता है। ये दोनों जो है यहाँ पे ये मास्टर हो जाते हैं, सेंटर में ये ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन होता है। ये जो आपको स्विचेस देखने को मिलते हैं ये है यहाँ पे इसके मोड सेलेक्शन के लिए। ये वाला जो है ये स्टूडियो मोनो कर सकते हैं आप, यानी एक इनपुट करते तो दोनों ही चैनल जो है वो आपको वर्किंग में देखने को मिलेगा, या फिर स्टूडियो करते तो दो इनपुट्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वलाइजर आउट और इक्वलाइजर इन, इक्वलाइजर आउट पे करेंगे तो ये वाले जो आपके इक्वलाइजर्स हैं, यानी ये वाले जो नोब है ना मिड हाई एंड लो, ये वाले जो है वो काम नहीं करेंगे, और इक्वलाइजर इन करेंगे तो यहाँ पे ये सारे नोब जो है वो काम करेंगे। प्लस यहाँ पे जो इनपुट आप अगर आप करते हैं पीछे से, तो जो इनपुट का गेन होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जो आउटपुट है आपका फोन का या फिर लैपटॉप का, जहाँ से भी आप आउटपुट ले रहे हैं, वो यहाँ पे कम होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट कर रहे हैं, उसके बीच में कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, उसके बीच में कोई मिक्सर नहीं है, तो यहाँ पे गेन लेवल भी इसका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये इंडिकेटर हो जाते हैं लेवल इंडिकेटर्स। यहाँ पे आपके पास एम्प ऑन, फॉल्ट एंड पावर ऑन का इंडिकेटर मिल जाता है, दोनों चैनल पे सेपरेट सेपरेट दे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि एक चैनल बंद हुआ तो दूसरा भी हो जाएगा, चलता रहेगा, डिपेंड्स ऑन कि पावर सप्लाई बंद ना हो, ठीक है ना। ये वेंटिलेशन है, यहाँ पे हैंडल्स दे रखे हैं, इसको इस हिसाब से बनाया गया कि आप इसको फ्लैट केस में भी फिट कर सकते हैं, और साइज इसका पूरा उसी हिसाब से ही रखा गया है। तो दोस्तों अभी हम जान लेते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर का बैक साइड, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है, दोबारा से बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम जान लेते हैं एम्पलीफायर का बैक साइड क्या क्या चीजें हैं वो अभी हम जान लेते हैं। यहाँ पे आपको ये पावर कॉर्ड देखने को मिल जाती है, जिसमें यूज करा गया है ये 16 एम्पियर का प्लग, ठीक है ना। ये इंडियन सॉकेट में इजिली चल जाएगा, लेकिन 16 एम्पियर हो इस बात का आपको देना, लेंथ की कॉर्ड जो है वो काफी अच्छी खासी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास ये सिग्नल इनपुट्स हो जाते हैं, जिसमें आपको XLR इन और TS इनपुट दोनों ही मिलते हैं, यानी अगर आप TS इनपुट करते हैं तो XLR से आउटपुट ले सकते हैं, और XLR इनपुट करते हैं तो TS से भी आप जो है वो आउटपुट ले सकते हैं, एक दूसरे से मैच है। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्पीकॉन आउटपुट मिल जाता है स्पीकर के लिए। अगर आप स्पीकॉन्स का यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये टर्मिनल सॉकेट्स हो जाते हैं, ज़्यादातर जो है वो इंडियन एम्पलीफायर्स में इनका ही यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि इजी टू यूज़ है, कनेक्शंस जो है वो आसानी से रहते हैं। अब क्या कि हमेशा हर जगह पे यहाँ पे ये स्पीकॉन्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे इनका सॉकेट्स का यूज़ में लिया जाता है। ये फ्यूज़ के लिए सॉकेट हो जाता है, इसके अंदर फ्यूज़ है, ठीक है ना। इसमें मेंशन करा गया है 15 एम्पीयर का इसके अंदर फ्यूज़ लगता है। ये आपका ग्राउंडिंग के लिए, अगर हमिंग आता है आपको ग्राउंडिंग की वजह से, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपको ये दो फैंस देखने को मिलते हैं, बाकी अंदर अभी हम खोल के देखेंगे कैसे जो है वो फैन वर्क करता है, या फिर कैसी हीट सिंक, या फिर कैसा मॉड्यूल इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। चलिए मैं भी इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम जान लेते हैं हमारे एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट में क्या क्या चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। ओवरऑल हमेशा से मेरी ये आदत है कि मैं आपको अंदर तक लेके जाऊँ, और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये पूरा एम्पलीफायर भी खुलता है और हर एक चीज़ भी चेक करी जाती है।
बिफोर द वीडियो, ठीक है ना। अभी हम जान लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे प्लेसमेंट है। ये आप देख रहे हैं, ये है टोरॉइडल ट्रांसफॉर्मर, इसका ये पावर सप्लाई के कैपेसिटर हो जाते हैं। ये मॉडल चैनल 1 चैनल 2 का हो जाता है। फ्रंट पे यहाँ पे ऑडियो कार्ड कहीं लगा हुआ है, कहीं पे रिले जो लगे हुए हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो सामने से भरा रहता है, ठीक है ना। पीछे पीसीबी का काम नहीं करा गया है। इसके अंदर फैंस जो है वो 2 हैं, 4-4 इंच के इसके फैन इसके अंदर यूज़ करा गए हैं। हाई स्पीड फैंस हैं, मैंने यहाँ पे जब देखा तो काफ़ी अच्छा कूलिंग कर रहे थे, तो कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं आएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 ट्रांजिस्टर का एक मॉडल हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये लगे हुए हैं, तो 16 आपका 32 ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर में है 3K2M के अंदर। बाकी यहाँ पे ब्रांड्स की बात करूँ, कैपेसिटर्स की अच्छी क्वालिटी के यूज़ करे गए हैं ओवरऑल यहाँ पे आ सकते हैं। और ठीक है ना, ये जो है वो पूरी हीट सिंक पे इसको प्लेसमेंट करा गया है। फिनिशिंग की बात करूँ तो यस, गुड क्वालिटी पे इसको जो है वो बनाया गया है। फिनिश वाइज कहीं से भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी बीच में से वायर नहीं लगी है, हर जगह से पूरा तरीके से जो है वो वायरिंग को करा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे यहाँ देख लीजिए, इनकी रिले लगी होती हैं चैनल 1 चैनल 2 के लिए अलग अलग, और यहाँ पे आप इसका कुछ अंदर से पूरा देख सकते हैं। ये फ्रंट आप देख लीजिए एक बारी, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये है इसका इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। अभी चलते हैं, इसकी बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। तो इसे कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं यहाँ पे इसकी स्पेशल्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका पावर स्पेशल्स यानी पावर आउटपुट कितना है। तो 1500+1500 जो है वो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, और यहाँ पे ये एम्पलीफायर जो है वो मेड इन इंडिया या फिर कह लीजिए इंडिया के अकॉर्डिंग ही इसको एम्पलीफायर को बनाया गया है। यहाँ पे आप इसके साथ में 300 या 400 वाट के जो टॉप हैं वो आप यहाँ पे 2 ओम्स पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो 12 के हों चाहे वो 15 के हों। यहाँ पे अगर आप 4 ओम्स का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं कि आप 500 से लेके 600 वाट के बीच में यानी 3.5 इंची और 4 इंची वर्सकल वाले जो स्पीकर्स होते हैं उनको आप यहाँ पे 2 टॉप 4 ओम्स पे यूज़ में ले सकते हैं, तो ये एम्पलीफायर परफेक्ट काम करेगा। इसकी रहती है बात दोस्तों कंपोनेंट्स की, तो अगेन यहाँ पे कंपोनेंट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, सारे कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे, और बात सारी रहती है कि टेस्टिंग परफॉर्मेंस कैसा करेगा, वो सारी चीज़ें मेन होती है। तो चलिए अभी हम टेस्टिंग देख लेते हैं, परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसा वर्क करा, क्या परफॉर्मेंस था इसका, उस सारी जानकारी मैं आपको दिखा। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं टेस्टिंग के लिए। अभी हमारा ये एम्पलीफायर सेटअप हो चुका है, ठीक है ना। इस पर मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे ये दोनों टॉप्स, आप देख लीजिए, ठीक है ना, ये दोनों टॉप्स यूज़ करने वाले हैं हम। और इनके अगर मैं पावर रेटिंग्स की बात करूँ तो हर एक टॉप जो है वो 1200 वाट जो है वो टॉप बन रहा है, ठीक है ना। तो लोड जो है वो 3K2M के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लोड दे रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए रहिए। या फिर अगर आप इस पर डोम्स का लोड डालना चाहते हैं तो 300 से 400 वाट के स्पीकर्स के लोड आप इस पर डोम्स पर डाल सकते हैं, ये चला लेगा इजिली, ठीक है ना। बाकी मैं यहाँ पर इसके इनबिल्ट इक्वलाइजर्स को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो EQ आउट है अपना, स्टूडियो मोड पे चल रहा है। पावर ऑन करेंगे, दोनों वॉल्यूम्स को हाफ ऑफ पे रखूँगा मैं, ठीक है ना। ओवरऑल एम्पलीफायर कैसा वर्क कर रहा है, कैसा इसका मतलब आउटपुट है, लेवल क्या आउटपुट है, कितने इंडिकेटर्स तक ये हमें प्रॉपर आउटपुट दे रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको देख के बता दूंगा, यानी चला के जो है वो लास्ट में मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट भी दे पाऊँगा, ठीक है ना। ओवरऑल अगर मैं अभी पीछे की बात करूँ तो इसको हम 4-4 ओम पे यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपल मैं स्पीकॉन्स ही यूज़ करता हूँ। बाकी यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दोनों ही है, स्पीकॉन्स और टर्मिनल्स दोनों का, ये इंडियन एम्पलीफायर में ये चीज़ें जो है वो आपको मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना। अभी चलते हैं हम टेस्टिंग ले लेते हैं कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है।
belong to the whore, never mind, never have a hard time to define what a hard was. कैसे लगा दोस्तों इसका परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको लोड डाल के दिखाया कि हाँ ये 1200 वाट के टॉप को कैसे रन कर रहा था, काफी अच्छा था। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं रेड पे जा रहा था तो कि साउंड का जो डिस्टॉर्शन होता है ना कि आप लाइट रेड पे पूरा चला रहे हैं बिल्कुल डिस्टॉर्शन आ रहा है, उस टाइप का कहीं पे भी नहीं देखने को मिला। बाकी यहाँ पे दो टॉप, जैसे मैंने बताया ना 4 ओम्स पे अगर आप दो टॉप चलाते हैं तो ये पावर इतना ज़्यादा है इसका, इनफ है। मतलब आप कह लीजिए कि ना आपके स्पीकर जाने वाले हैं ना आपका एम्पलीफायर जाने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट रनिंग चाहिए तो 4 ओम्स का यूज़ करिए। या फिर अगर आपको यहाँ पे 2 ओम्स का यूज़ करना है तो 300 वाट या 400 वाट के स्पीकर जो 3 इंची वॉइस कॉल में आते हैं आप उनका यूज़ कर लीजिए, ये 2 ओम्स पे भी रन करेगा। अगेन ये इंडिया के हिसाब से या फिर कह लीजिए मिड इंडिया भी प्रोडक्ट है, और आप सभी को पता है यार मिड इंडिया जो एम्पलीफायर्स होते हैं वो इसी हिसाब से ही बनाए जाते हैं ताकि कैसा भी लोड हो 2 ओम का 4 ओम का हो वो चला दे। और यहाँ पे फीचर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं मिड हाई लो, तो आपका ये मिक्सर का खर्चा एक बच जाता है। सीधे इनपुट करा आपने पीछे से, आपने जो TSN ऑक्स वाला जो केबल होता है वो आपने इनपुट करा, और प्लग एंड प्ले वाला जो है वो काम आपको देखने को मिलेगा। एक बजट में आप कह लीजिए कि बजट में आपका एक एम्पलीफायर होगा, बजट में आप टॉप बना लीजिए बिना मिक्सर के, आप यहाँ पे इसको रन कर सकते हैं। एक यानी मिनी डीजे सेटअप जो है वो स्टार्ट आप कर सकते हैं, स्टार्ट डीजे कर सकते हैं, तो उससे आप एक पैसा भी कमा सकते हैं, अच्छा खासा एक जो है वो अर्निंग भी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। ओवरऑल यहाँ पे ये एम्पलीफायर को परचेज करने के लिए और प्राइसिंग डिटेल्स के लिए नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डायनाटोन का कस्टमर केयर नंबर डाल देता हूँ, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आपने नियरेस्ट डीलर से भी परचेज कर सकते हैं, अगर आप जानते ना हो कि कहाँ पे मेरा डीलर तो नीचे फ़ोन करिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिए, वहाँ से एड्रेस आपको मिल जाएगा। ये एम्पलीफायर आप डायरेक्ट मुझसे भी परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।